दोस्तों ये एप्सन का L3210 मॉडल है। इसमें देख सकते हैं कैसे हमको हेड क्लीनिंग करना है, कैसे हमको जेरोक्स निकालना है, पेपर अटक जाता तो कैसे निकालना है, सब बता रहे हैं हम आपको। स्कैन करके, जेरोक्स करके, प्रिंट करके सब दिखाते हैं आपको। भी हम नोजल प्रिंट करके दिखा रहे हैं कैसे नोजल प्रिंट करेंगे। अभी आते हैं कंप्यूटर के पास, देख सकते हैं कंप्यूटर में क्या पेपर हमने इधर लगा दिया है। अभी कंप्यूटर में हमको देखना है कि ये प्रिंटर में प्रिंट बराबर नोजल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके लिए हमको देखना है प्रिंटर के डिवाइस मैनेजर में जाना है, राइट क्लिक करना है, प्रिंट प्रेफरेंस में जाना है, यहाँ से देख सकते हैं मेंटेन में जाना है। मेंटेन में जाकर नोजल चेक पे क्लिक करना है। नोजल चेक पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से प्रिंट देना है। जब प्रिंट देंगे तो यहाँ से प्रिंट आएगी। अभी देख सकते हैं प्रिंट आ रही है। जैसे देख रहे हैं हल्का हल्का कट रहा है, थोड़ा बहुत कट रहा है। उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे आते हैं कंप्यूटर में दिखाते हैं। यहाँ से क्लीनिंग करना है, पावरिंग फ्लैशिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से हेड क्लीनिंग भी कर सकते हैं। जब ज़्यादा कटता है प्रिंट तो फ्लैशिंग करते हैं, और नॉर्मल कटता है तो क्लीनिंग करते हैं। अभी एक बार क्लीनिंग करके हम देखेंगे इसको। अभी हमने क्लीनिंग कर दिया है, अभी मशीन प्रोसेस करेगी, एक दो तीन मिनट प्रोसेस करेगी, ऐसी आवाज़ आएगी। उसके बाद हम फिर से प्रिंट मारेंगे, आपको दिखाएंगे कैसा रिपोर्ट आता है उसका। देख सकते हैं आपको नजदीक से दिखाते हैं, इसमें देख सकते हैं येलो कलर नहीं आ रहा है। इसके लिए हमने क्लीनिंग किया है, येलो कलर नहीं आ रहा है, इसके लिए हम क्लीनिंग किए हैं। अभी क्लीनिंग करके दिखाते हैं आपको। जब हम क्लीनिंग करेंगे तो मशीन प्रोसेस करेगी। ये इसका स्कैनर है, यहाँ पे हम रख के झरोक्स भी मार सकते हैं एक साथ में, कितना कॉपी मारना क्वांटिटी वो भी एक साथ कर सकते हैं। क्लीनिंग हो चुका है, अभी हम इसमें मारेंगे नोजल प्रिंट। देख सकते हैं नोजल प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, इसको हमको क्लिक कर देना है, इसको प्रिंट करना है। जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ से रिपोर्ट निकलेगी, रिपोर्ट में हमको पता चलेगा कि क्या आ रहा है, या प्रिंट बाहर आएगी नोजल। ये देख सकते थे पूरा कलर नहीं आ रहा था, येलो कलर, पूरा कलर सारे बराबर आ गए, हेड क्लीनिंग से हो जाता है। जैसे कभी नहीं होता तो पावरिंग फ्लैशिंग करना पड़ता है। अभी हम इसमें फास्ट प्रिंटिंग कैसे मारते हैं वो दिखाते हैं। उसके लिए हमको कोई भी कार्ड ले लेना, विस्टिंग कार्ड ले लेना, कुछ भी ले लेना। हमको जैसे झरोक्स मारना है तो यहाँ पर रख दिए, उसके बाद में फिर हमको फास्ट प्रिंट मारना है तो इसमें क्या करना, स्टॉप वाला और कलर चेक कलर, ब्लैक चेक ब्लैक, दोनों को साथ में ऐसे दबा देना तो प्रिंट आएगी, स्पीड में आएगी। ये देख सकते हैं कितना स्पीड में प्रिंट आ रहा है, एकदम स्पीड प्रिंटर हो जाएगा। ये देखो, देख सकते हैं ये कलर आ गया प्रिंट, स्पीड प्रिंटर। ये देख सकते हैं प्रिंट स्पीड में आया है। अभी ब्लैक चाहिए तो आपको हम दोनों ये बटन दबाना है, ब्लैक आ जाएगा, दोनों को साथ में पुश करना है, ब्लैक प्रिंट आएगी। ये तो हो गया स्पीड प्रिंटिंग का। अभी हम आपको बताएंगे एक कॉपी का कितना, एक साथ कितने कॉपी मार सकते हैं। इसके अंदर रख दिए, अभी एक कॉपी का मुझे 10 कॉपी मारना है या 5 कॉपी मारना है, तो हमको 5 मारना तो 5 बार ये बटन पुश करना है, 1 2 3 4 5, अभी 5 कॉपी आएंगी। ये देख सकते हैं कॉपी आ गई है, दूसरी आ रही है। ये
जैसे हमको कैंसिल करना नहीं चाहिए तो ये वाला बटन प्रेस करेंगे ना स्टॉप वाला, दो बार तो हो जाएगा। जैसे स्टॉप वाला कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारी दो कॉपी आ गई, पाँच में दो चाहिए था, दो आ गई है। पाँच का कमांड देखिए, कलर के लिए कलर, ब्लैक के लिए ब्लैक, जितना कॉपी चाहिए उतना कर सकते हैं। ऑन ऑफ का बटन है, जैसे हमारा पेपर जाम हो गया तो इसको ऐसे ढक्कन को ओपन करना है, उसके बाद इसको ऐसे उठाना है आराम से, यहाँ से पेपर को धीरे धीरे खींच लेना है ऐसे। उसके बाद में खींचने के बाद मशीन बंद करके करना है, उसके बाद में क्या करना है ये बंद कर देना है ऐसे। अभी हम इसमें फ़ोटो मार के आपको दिखाएंगे कैसे फ़ोटो होता है। फ़ोटो मारना तो चार अलग अलग फ़ोटो हमने सिलेक्ट कर लिए, एक दो तीन चार फोटो सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद प्रिंट कमांड दिए, प्रिंट में जाएगा। देख सकते हैं प्रिंट करने में जाना है, यहाँ पे प्रिंटर सिलेक्ट कर लेना, हमारा प्रिंटर कौन सा है, यहाँ पे प्रिंटर जो भी रहेगा। अभी हमारा 3210 है, 3210 मॉडल ढूंढ किधर पे है ये देख सकते हैं, 6 नंबर 3210 है, क्लिक कर लिए। यहाँ पे प्रिंटर सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे कितना प्रिंट मारना है देख सकते हैं, यहाँ पे हमको चार प्रिंट साथ में मारना है, चार को सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे टू प्लेट हटा दिए, उसके बाद प्रिंट कमांड दे दिए, ये देख सकते प्रिंट कमांड दिए हैं। USB चेक कर लेते हैं, यही है दूसरा है। जैसे ऐसे कभी कभी एरर आ जाता है देख सकते हैं, कभी कभी कस्टमर को बोलता है एरर आ रहा है, तो एरर के लिए हमने प्रिंटर सिलेक्ट किया कि नहीं किया वो इधर देख सकते। डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, अभी 6 नंबर लिया है तो हमने 3210 है मेरा, तो हमने प्रिंट किस पे दे दिया वो इधर दिखाई देगा, हमने दूसरे भी मॉडल पे दे दिया है 2950 पे दे दिया, तो इसमें प्रिंट कैसे आएगा। तो उसके लिए हमको दोबारा से प्रिंट में जाना है, वही प्रिंट दोबारा से प्रिंट कमांड देना है, यहाँ से अपने को 3250 में 3210 सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जाएंगे हम, देख सकते हैं नीचे 3210 आएगा, जब 3210 आएगा तो उसके बाद में यहाँ पे देख सकते सिलेक्ट किए चारों को, फिर से क्लिक किए, फिर से प्रिंट कमांड दिए। अभी देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट पेपर ले लेगा, तो यहाँ से प्रिंट छोड़ा है, जो प्रिंट जाएगी उसके बाद में यहाँ पेपर ले लेगा। देख सकते लाइट ग्लिंग करेगा, जब पेपर लेगा तो लाइट ग्लिंग करेगा, वो पेपर ले लिया है प्रिंट करेगा। हमने हाई क्वालिटी में फ़ोटो मारा है, वो देख सकते हैं हाई क्वालिटी में फोटो, देख सकते हैं हमारा प्रिंट आ रहा है। अभी दिखाएंगे आपको प्रिंट कैसा आता है, इससे पहले हमने प्रिंट मारा था ये देख सकते हैं ऐसा आ रहा है, ये दूसरा आ रहा है, वो दिखाते हैं आपको कैसा प्रिंट आएगा। अभी तो अच्छा प्रिंट आएगा, पहले ख़राब आ रहा था, येलो कलर नहीं आ रहा था, उसमें क्वालिटी का प्रिंट नहीं आया। सबसे बेस्ट प्रिंट है हमारे रिपेयर का, देख सकते हैं लिखा हुआ आर प्रिंटर सर्विस सेंटर, हमारे यहाँ सब प्रिंटर रिपेयर होते हैं, सब प्रिंटर दिख रहे हैं, सारा प्रिंटर रिपेयर होता है, जो भी मॉडल हुए हम रिपेयर करते हैं। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे बैनर में मोबाइल नंबर है, उससे बात कर सकते हैं। देख सकते हैं प्रिंट हमारा आ चुका है, आधा भी बुरा आने वाला है। इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी है, आप प्रिंट देख सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी का प्रिंट मारता है प्रिंटर। ये एप्सन का L3210 है, इसको बोलते हैं 3210, इसमें 3250 आता है वाईफाई वाला, वो भी अच्छा है प्रिंटर है। इसका प्रिंट आया हुआ है, HD क्वालिटी का प्रिंट है। अभी हमारा प्रिंटर ओके हो गया है, अभी हम इसके अंदर रख दिए।